वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम। हमारा जो चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेस में, उसमें हम पहुंच गए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम मिलके बना होता है दो इम्पॉर्टेंट पार्ट से। फर्स्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल और सेकेंड होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल हम लोग ने कम्प्लीट कर लिया है, यानी माउथ से लेके एनस तक के हर एक पार्ट को हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, क्या कौन सा क्या फंक्शन करता है, कहाँ पे क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से देख ली हैं। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में, जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट हम आए हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हम पढ़ते हैं। सलाइवरी ग्लैंड हमें प्रेजेंट पता है कि वो जब भी हम खाना इजेशन करते हैं तो माउथ में जाता है। ठीक है, वहाँ पे बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। ठीक है, इतना हम लोग ने जाना है। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है सिक्रीट करती है सलाइवा। सलाइवा में जो एंजाइम होता है वो होता है सलाइवरी एमाइलेस, या उसको हम टाइलिन भी कहते हैं, ये भी हमें पता है। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो कई थ्री टाइप्स की होती है और उसकी पोजिशन भी डिफरेंट होती है। जैसे फर्स्ट है पैराटिड, ये पेयर में होती है। फर्स्ट है पैराटिड, सेकेंड है सब लिंगुअल एंड थर्ड है सब मैक्सिलरी। फर्स्ट हम बात करते हैं पैराटिड की। पैराटिड जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है बिलो द ईयर लोब। कहाँ प्रेजेंट होती है, बिलो द ईयर लोब। ओके, तो ये हम लिखते हैं बिलो द ईयर लोब। ठीक है, अब सेकेंड है सब लिंगुअल। सब लिंगुअल जो होता है वो टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। क्या होता है, टंग हमारा है उसके नीचे प्रेजेंट होता है। तो सब लिंगुअल जो होता है वो होता है टंग के नीचे प्रेजेंट, ये बिलो द टंग होता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम आते हैं थर्ड सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी जो होता है वो हमारे जहाँ पे ये हमारा जॉ लाइन है ना, ये जॉ लाइन जहाँ पे एंड होती है, यानी यहाँ पे एंड हो रही है हमारी जॉ लाइन, तो जॉ लाइन जहाँ पे एंड होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है सब मैक्सिलरी। ओके, तो सब मैक्सिलरी कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है एंड ऑफ जॉ। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड जो होती है सलाइवा सिक्रीट करती है। ये सलाइवा जो होता है उसमें एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, इसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। ये चीज़ हमने देखी। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो तीन, उसका जो होता है थ्री पेयर होती है, और थ्री पेयर में जो होती है फर्स्ट होती है पैराटिड, जो सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। पैराटिड की बात करें तो ये सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, ओके, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, बिलो द ईयर लोब, ये हमारा ईयर है ना उसके नीचे प्रेजेंट होती है। सब लिंगुअल जो होता है वो बिलो द टंग प्रेजेंट होता है, और सब मैक्सिलरी जो होता है जो जॉ का एंड लाइन है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो यानी थ्री सलाइवरी ग्लैंड है जिनके डिफरेंट पोजीशन है। फर्स्ट होता है पैरोटिड, जो सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है वो प्रेजेंट होता है ईयर लोब के बिलो में। ठीक है, सेकंड होता है सब लिंगुअल जो टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। थर्ड होता है सब मैक्सिलरी जो जॉ लाइन के एंड में प्रेजेंट होता है। इतना हम लोग ने क्या देखा, सलाइवरी ग्लैंड में देखा। ये जो होता है 1200 टू 1500 पर डे सिक्रीट होता है एक नॉर्मल पर्सन में पर डे, यानी हर दिन ये 1200 से 1400 जो होता है इसका सिक्रीशन होता है। ये क्या हेल्प करती है, ये हेल्प करती है हमारे खाने को च्यू जो हो रहा है उसको बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, तो सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो यहाँ पे मैं रब कर रही हूँ। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो सिक्रीट करती है सलाइवरी एमाइलेज को।
जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइलिन भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये जो होता है, जो हमने स्टार्च खाया है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। और इसका पीएच कितना होता है? 6.8 पीएच होता है। इसका 6.8 पीएच पे ये हमने जो स्टार्च खाया है उसको कन्वर्ट करता है माल्टोज में। स्टार्च क्या है? पॉलीसेक्राइड है। और माल्टोज क्या है? डाइसेक्राइड है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। ये कंप्लीट हुआ हमारा माउथ का पोर्शन, जहाँ पे एक सलाइवरी ग्लैंड होती है जो 3 टाइप की होती है, और वो सलाइवा जो होता है सिक्रीट करती है, उसमें जो एंजाइम होता है वो सलाइवरी एमाइलेज होता है, उसको हम टाइलिन भी कहते हैं। उसका पीएच होता है 6.8, ओके, और वो कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज में, यानी पॉलीसेक्राइड को कन्वर्ट कर दिया है डाइसेक्राइड में, यानी थोड़ा सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होगा, बट पार्शियल डाइजेशन होगा, क्योंकि फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये पोर्शन जो होता है हमारा बक्कल कैविटी कह सकते हैं, या वहाँ पे जो यू नो सिक्रीट हो रहा है सलाइवरी ग्लैंड जो प्रेजेंट है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा माउथ का और सलाइवरी ग्लैंड का पोर्शन। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड ग्लैंड, सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारे लीवर। लीवर जो होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। और हमारा जो लीवर होता है वो बहुत ढेर सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। जब हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे तो उसमें ही आप देखोगे कि कितने ढेर सारे फंक्शन जो होता है लीवर के जरिए परफॉर्म किया जाता है। तो लीवर जितना काम करता है वो बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि उसका जो वेट होता है वो सबसे बड़ा ग्लैंड है, ग्लैंड है, यानी उसका जो वेट है वो सबसे ज़्यादा है। और ये बहुत ढेर सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, और इसमें रीजनरेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। यानी अगर थोड़ा सा भी पार्ट लीवर का बचा हुआ है किसी की बॉडी में, तो वो रीजनरेट करके कंप्लीट होके और फिर से सारे वर्क कंप्लीटली करने लगेगा। तो रीजनरेशन पावर जो होती है लीवर की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम आते हैं लीवर का, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाती हूँ। ये लीवर का है लेफ्ट राइट लोब, और ये है लीवर का लेफ्ट लोब। देखो अब हम ऐसे खड़े हैं ना, दिस वन इज लेफ्ट और दिस वन इज राइट, ऐसे है, ठीक है। तो दिस वन इज अ राइट लोब एंड दिस वन इज अ लेफ्ट लोब, ठीक है, ओके। अब क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट लोब में क्या प्रेजेंट होता है? गॉल ब्लेडर के प्रेजेंस होने की वजह से जो लेफ्ट लोब होती है वो बड़ी होती है। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक गॉल ब्लेडर, ठीक है। क्या ड्रॉ करते हैं? एक गॉल ब्लेडर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है कि यहाँ से जो होती है डक्ट निकलती है, यहाँ से राइट लोब से डक्ट निकलेगी और लेफ्ट लोब से डक्ट निकलेगी। इसको हम बोलेंगे राइट और यू नो लाइट राइट लोब डक्ट, और इसको बोलेंगे लेफ्ट डक्ट, ओके। अब ये जो है यहाँ पे आई, यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन हुआ, और ये जो होती है यहाँ पे ये इससे जुड़ जाती है। यानी जो लीवर होता है वो बाइल जो सिक्रीट करता है, ठीक है, वो बाइल जूस लेफ्ट और राइट से आया इस डक्ट के थ्रू, और ये जो होता है डक्ट यहीं पे बाल जो गॉल ब्लडर है उसका जो है यू नो डक्ट ज्वाइंट होता है। तो क्या होता है यहाँ पे कि जो यहाँ से बाइल जूस आ रहा है वो इसमें चला जाता है, इसमें चला गया। और इसमें जाने का क्या रीज़न होता है? क्योंकि यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर होता है वहाँ पे बाइल जूस जाके उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। क्या होता है? उसका कंसंट्रेशन जो होता है बढ़ जाता है। ये ऑलमोस्ट 1000 ml जो होता है बाइल जूस सिक्रीट करती है, और वो जो होता है वो यहाँ पे जाता है, जाके यहाँ पे गॉल ब्लैडर में बाइल जूस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और फिर ये आके इसी में मिल जाता है। तो क्या हुआ? राइट एंड लेफ्ट लोब से डक्ट निकली, वहाँ से यू नो गॉल ब्लैडर भी ज्वाइंट हुआ, और जो भी बाइल जूस निकल रहा है वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे कंसंट्रेशन उसका
इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा है, इट इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिन, राइट साइड ऑफ अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिन। इट सिक्रीट 500 to 1000 ml पर डे। इट सिक्रीट बाइल जूस, बाइल्स इमल्सिफाइड द फैट प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो लीवर होता है वो एब्डोमिनल के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है, राइट साइड में, ठीक है। वो दो पार्ट होते हैं उसके, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट जो होता है वो बड़ा होता है साइज में बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ गॉल ब्लडर, ठीक है। और ये जो होता है मोस्ट बिजिएस्ट ग्लैंड है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, इसलिए बहुत बिजिएस्ट ग्लैंड है, बहुत से फंक्शन, ऑलमोस्ट 10 से 100 से भी ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है। इसमें रिजनरेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। इसने सिक्रीट किया बाइल जूस, बाइल जूस जो होता है गॉल ब्लैडर में भी जाता है, वहाँ पर उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। बाइल जूस में जो होता है बच्चों, वो जो होता है इमल्सिफाइड करता है फैट को, मैंने फैट के जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है, फुली तोड़ता नहीं, क्योंकि बाइल जूस में जो होता है वो एंजाइम अब्सेंट होता है। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है, बाइल जूस में क्या प्रेजेंट होता है, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, जो पैनक्रियास है, जो लीवर है, जो बाइल जूस जो होता है उसको सिक्रीट कर रहा है, जो हमारे गॉल ब्लैडर में भी जा रही है उसका कंसंट्रेशन बढ़ा दे रही है। तो यहाँ पे बाइल जूस जो होता है जो लार्जेस्ट फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनको इमल्सिफाइड करता है, ठीक है, इमल्सिफाइड करता है और उसमें ब्रेक कर देता है। जैसे मान लो आप इतना बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल्स है उसको इमल्सिफाइड करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देगा। और क्योंकि बाइल जूस हैज नो एंजाइम, यहाँ पे कोई एंजाइम्स नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, बाइल सॉल्ट, क्या प्रेजेंट होता है, बाइल सॉल्ट, जो इमल्सिफाइड करता है बाइल लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे भी फुली डाइजेस्ट नहीं करता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो होता है कोई एंजाइम नहीं होती, नो एंजाइम इन बाइल जूस। और ये सारी चीजें कहाँ जा रही हैं, ये सारी चीजें जा रही हैं कहाँ पे जा रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम में। मैंने जब डियोडेनम का पोर्शन पढ़ाया था तभी बताया था कि ये रिसीव करता है बाइल जूस को लीवर से, पैनक्रियाटिक जूस को पैनक्रियास से। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है पैनक्रियास, यहाँ पे हमारा पैनक्रियास प्रेजेंट है जो इसी में ओपन हो रहा है। यानी जो ये डक्ट जा रही है ये कॉमन डक्ट बन के जाके हमारे ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ओपन हो रही है। तो पैनक्रियाटिक जूस अपना पैनक्रियास जो है अपना पैनक्रियाटिक जूस दे रहा है और बाइल लीवर जो है बाइल जूस को दे रहा है। तो हमने लीवर अभी तक पढ़ लिया कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, राइट साइड में प्रेजेंट होती है अपर द एब्डोमिनल कैविटी। ये टू पार्ट में, टू लोब में डिवाइड होती है, राइट एंड लेफ्ट। राइट जो होता है बड़ा होता है साइज में क्योंकि वहाँ पर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। दोनों की डक्ट आ रही है, एक कॉमन डक्ट मिलती है। ये जो होता है बाइल जूस सेक्रीट करता है जो गॉल ब्लैडर में जाता है और वहाँ पर उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, जिस करके फिर वो साथ में और उसी डक्ट में मिल जाता है। वो बाइल जूस जो होता है गॉल ब्लैडर से आके उसी उसमें मिल जाता है, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है, बाइल जूस में क्या होता है, बाइल सॉल्ट होता है, जो लार्जेस्ट जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको इमल्सिफाइड करता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। इतना हो गया लीवर का पोर्शन, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैनक्रियास की, किसकी बात करेंगे, पैनक्रियास की। पैनक्रियास जो होता है वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा हुआ, लीवर हुआ, क्योंकि उसके वो जो होता है वेट में भी ज़्यादा होता है और उसके पास बहुत ढेर सारे फंक्शन होते हैं जो बॉडी में वो फंक्शन परफॉर्म करता है।
बट सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है वो हमारा क्या होता है, पेनक्रियाज होता है. तो इट इज अ सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, यानी जो पेनक्रियाज होता है वो मिक्स्ड ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. अब मैं यहाँ पे बताती हूँ, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो डक्ट ग्लैंड होता है, यानी जो मैंने अभी यहाँ पे ये जो ड्रॉ किया था, ये डक्ट्स निकल रही हैं. क्या पेनक्रियाज है, ये यहाँ से डक्ट निकल रही है, जो ऊपर से लीवर से बाइल डक्ट आ रहा है उससे ज्वाइंट हो जा रही है और ड्यूडेनम में जाके ओपन हो जा रही है. तो ये कौन सा हुआ, एक्सोक्राइन हुआ जो पेनक्रियाटिक जूस निकालता है. ये क्या हुआ, डक्ट ग्लैंड हुआ ना, डक्ट ग्लैंड. यहाँ पे ये डक्ट दिख रहा है ना, इसी को तो डक्ट कहते हैं. तो ये डक्ट ग्लैंड हुआ, यानी ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हुआ. ये क्या होता है, इसमें डक्ट के जरिए जो होता है पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो रिलीज होता है, ठीक है. उसके बाद जो सेकेंड होता है एंडोक्राइन, यानी ये डक्टलेस ग्लैंड होता है. ये जो होता है सीधे डक्ट, इसके लिए डक्ट नहीं चाहिए रहता है, ये बिना डक्ट के ही सीधे जा के ब्लड में मिक्स होता है. ये हार्मोन रिलीज करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है वो है इंसुलिन. क्या है, इंसुलिन. तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है, ये हार्मोन्स मतलब सिक्रीट करती है जो ब्लड में मिलके हमारी बॉडी में रिलीज होती है. इसके लिए डक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है. तो हमने क्या सीखा, पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो होती है वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है. फर्स्ट इज सेकेंड जो हमने सीखा कि ये मिक्स्ड ग्लैंड होती है, दो टाइप की ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन. एक्सोक्राइन जो होती है वो डक्ट ग्लैंड होती है, रिलीज करती है पैनक्रियाटिक जूस, ये वाला जो मैंने बताया है. और ये पैनक्रियाटिक जूस जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है. उसके बाद जो हम लोगों ने सेकेंड पोर्शन, जो सेकेंड वाला ग्लैंड है पैनक्रियाटिक का, वो है एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है, यानी उसकी कोई डक्ट नहीं होती है, वो डायरेक्ट ब्लड में मिक्स होके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है. वो रिलीज करता है एंजाइम जो होता है इंसुलिन, वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंडोक्राइन जो होता है वो हार्मोन्स रिलीज करता है. क्या करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है जो ब्लड में चला जाता है. और ये हार्मोन्स कौन सा होता है, इंसुलिन. क्या होता है, इंसुलिन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, पेनक्रियाज से रिलीज होता है. वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आते हैं कि इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, पेनक्रियाज से रिलीज होता है. पेनक्रियाज जो होता है मिक्स्ड ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन. एक्सोक्राइन जो होती है वो डक्ट वाली ग्लैंड होती है जो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है. और जो एंडोक्राइन होती है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है जो हार्मोन्स रिलीज करती है, जो डायरेक्ट बॉडी में जाता है उसके थ्रू, ब्लड में जाता है उसके थ्रू पूरे बॉडी में जाता है. वो हार्मोन्स कौन सा है, इंसुलिन, ठीक है. ओके, तो हमने आज पेनक्रियाज सीख लिया कि पेनक्रियाज जो होता है हार्मोन्स एज वेल एज पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, ठीक है. इतना हमने सीखा. तो आई होप अभी तक आपको जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है वो समझ में आ गई होंगी. नेक्स्ट वीडियो में जो होता है हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.